ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। और जैसा आपने उल्लेख किया, भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोलते बोलते तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाषण आपण ऐकतोय। चांद्रयान 3 च्या यशाबद्दल त्यांनी कौतुक केलेलं आहे, वैज्ञानिकांचं देखील त्यांनी कौतुक केलेलं आहे। अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता भाष्य करतायत। सभागृहाचं कामकाज सुरू झाल्यानंतर लगेचच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बोलतात। चांद्रयान 3 च्या यशाबद्दल वैज्ञानिकांचं त्यांनी कौतुक देखील केलेलं आहे। तर आजपासून संसदेचं विशेष अधिवेशन सुरू होत आहे। अधिवेशन सुरू होताच कामकाजाच्या सुरुवातीलाच विरोधकांनी गदारोळ देखील घातला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना शांत केलं आणि त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या भाषणाला सुरुवात केलेली आहे। तर चांद्रयान 3 च्या यशाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैज्ञानिकांचं देखील कौतुक केलेलं आहे। आपण ऐतिहासिक घटनेचे साक्षीदार होणार आहोत असं महत्त्वाचं विधान त्यांनी केलं आहे। जुन्या संसद भवनामध्ये संग्रहालय बनवणार असल्याची माहिती देखील त्यांनी या भाषणाच्या निमित्तानं दिलेली आहे। तर गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर नवीन संसद भवनामध्ये प्रवेश करत आहोत असं देखील त्यांनी म्हटलं आहे। आपण ऐतिहासिक घटनेचे साक्षीदार होणार आहोत असं विधान देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं आहे। तर चांद्रयान मोहीम यशस्वी झाल्याबद्दल त्यांनी संपूर्ण इस्रोचं आणि वैज्ञानिकांच्या टीमचं देखील अभिनंदन केलंय। तर आपण ऐतिहासिक घटनेचे साक्षीदार होणार आहोत असं महत्त्वाचं विधान देखील याच निमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं आहे। गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर संसद भवनामध्ये प्रवेश करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे। तर जुन्या संसदेतील कामकाजाचा आजचा शेवटचा दिवस आहे, आपण ऐतिहासिक घटनेचे साक्षीदार होणार आहोत असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है, पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है, सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ रहने में जोड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ, हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है।
आजाद भारत के नवनिर्माण से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं इन 75 वर्ष में यही सदन में आकार लेती हुई हमने देखी है। आज हम जब इस सदन को छोड़कर के नए सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, तब भारत के सामान्य मानवी की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, सद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्षी पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी, मैं कल्पना नहीं कर सकता।